आज हम बात करेंगे भारत पेट्रोलियम के बारे में। इसका जो प्रीवियस क्लोज आपको नज़र आता 320 का प्रीवियस क्लोज है, शुरुआत भी इसके लगभग वहीं से होती हुई हमें नज़र आई है। अब जब मार्केट में क्रैश हुआ तो ये भी उसके चपेट में आया और सीधा 12 बजे तक इसमें एक बॉटम लेवल तो नहीं छुआ, लेकिन 314 तक ये 314 के लेवल को छू के बिल्कुल ये ऊपर आया। वहाँ से बहुत ज़्यादा, हमने आपको पहले कहा है, मैक्सिमम शेयर एक तो बहुत ऊपर चले गए थे या थोड़े से में ही रुक गए, तो ये थोड़े से रुकने वालों में से ये दूसरा था। 316 आप देखेंगे तो इसका नया मेडियन इसने बनाया और उस पर पूरे दिन भर का इसने कामकाज किया। ज़्यादा हलचल पूरे दिन भर में इसमें कहीं नहीं नज़र नहीं आई, थोड़ा सुस्ती इसमें दिखाई दी। और जब ये कल खुलेगा तो बिल्कुल अपग्रेड के साथ खुलेगा, अपर बॉटम के साथ ये ऊपर आने वाला है। कंपनी में अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 360 आपके लिए होना चाहिए, जो आपको शायद हो सकता है 2-3 महीने के अंदर आपको 360 मिल जाएगा। और इसमें अगर 5 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल 5 साल में कंपनी ने आपको लगभग 32% फिलहाल नुकसान में कंपनी चल रहा है। उसके बावजूद भी आपका इसमें 450 का एक रेंज होना चाहिए, जो आपको शायद 2-3 साल में आपको दिख जाएगा, ये टारगेट आपका होना चाहिए। अब कंपनी के कुछ हम मार्केट कैप के बारे में नज़र करेंगे तो मार्केट कैप इसका 683 बिलियन का है, पी रेशियो 25 का है, डिविडेंड यील्ड इनका शानदार 5.06 का है। कंपनी के कुछ हम देखेंगे रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू कहता है कि इसका 1.21 ट्रिलियन है और नेट इनकम इनका फिलहाल माइनस में चल रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो फिलहाल इनका 94 बिलियन का है, जो 50% इनका खर्चा कंपनी का बढ़ चुका है। और नेट इनकम जैसे हमने कहा है -61 बिलियन का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका घाटे में चल रहा है, तो फिलहाल कंपनी घाटे में है आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अर्निंग्स पर शेयर देखेंगे तो ये भी आपको माइनस में नज़र आएगा, ईबिटा भी माइनस में नज़र आएगा। कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी, कंपनी की शुरुआत 1952 से हुई थी, कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, कंपनी का जो वेबसाइट है उसका नाम है bharatpetroleum.in और आज के समय में लगभग इस कंपनी में 8594 लोग कामकाज कर रहे हैं।